हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग साइंस का फिजिक्स में एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन में हम लोग पहले बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम टाइप्स ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, बात करते हैं, जानते हैं। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑफ मोशन, मैकेनिक्स में हम लोग, फिजिक्स का ब्रांच है इसमें हम लोग इस पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स वो होता है मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डायनेमिक्स वो होता है कॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स होता है चेंज ऑफ मोशन विद टाइम, तो टाइम के साथ अगर मोशन में चेंजिंग हो तो उसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। अब बेसिकली हम लोग मेजोरिटी में इसी को पढ़ेंगे, डायनेमिक्स अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कॉज ऑफ मोशन होता है, ठीक। तो काइनेमेटिक्स में अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में भी होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टू लोकेट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेते हैं, ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन को रिमोट कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो चूज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई जेड। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो होते हैं एक्स वाई जेड, ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड। अभी एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, बेसिकली आपने ये दोनों एक्सिस तो मैथमेटिक्स से फिजिक्स में आप पढ़े ही होंगे क्लास 7-8 में। तो एक नया एक्सिस है जेड एक्सिस। अब हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग्स ऑफ अ बॉडी टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ऐसा पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ऐसा पॉइंट जिसपे हम लोग मोशन या रेस्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। सो एनी पॉइंट हुज लोकेशन इज नोन मे बी यूज फॉर रेफरेंस पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट जिसका लोकेशन नोन हो तो उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिमोशन की। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस यानी रेक्टिलिनियर मोशन की तरफ जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे आई कैप। अगर अपवर्ड वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे जे कैप। अब हम लोग जब जेड एक्सिस के साइड में जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे के कैप। ये वेक्टर्स का डिनोशन है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी उसका स्पीड नहीं, स्पीड रॉन्ग टर्म क्योंकि वेक्टर नहीं है, वेलोसिटी अगर उसका 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होना चाहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी को हम लिखते हैं कि अगर 30 मीटर पर सेकेंड वेस्ट तो हम लोग लिख सकते हैं 30 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप, अगर ईस्ट में हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्लस आई कैप। सो गाइस, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।